क्या हमारे चैनल से कभी भी रीयूज्ड कंटेंट नहीं हट सकता क्या? क्या रीयूज्ड कंटेंट फाइंड करना आसान नहीं है क्या? या फिर रीयूज्ड कंटेंट जिस वीडियो पर आया है उस वीडियो को अगर मैं प्राइवेट कर देता हूं तो क्या चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? अगर वीडियो डिलीट कर देता हूं तो क्या 100% चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? ये सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे माइंड में। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है क्योंकि मेरे पास एक इंस्टाग्राम पर मैसेज आया। एक लड़के ने मैसेज किया कि सर मेरी हेल्प करिए, मैं बहुत डिप्रेस में हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उनसे पूछा आप बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। उन्होंने कहा सर मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया है। मैंने कहा आप बताओ अप्लाई कितनी बार कर चुके हो। उस लड़के ने मुझे जब बताया मैं शॉक्ड रह गया। उसने कहा 8 से 10 बार मैं अपने चैनल को अप्लाई कर चुका हूं, यानी कि 8 महीने से 10 महीने हो गए हैं परेशान होते हुए उस लड़के को, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है। ऐसा क्या है उसके चैनल पर, ऐसा क्या है उसकी वीडियो में जो कि दिक्कत देती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने चैनल पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए और आप अपने चैनल पर किस तरीके से काम करें। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है वीडियो को प्राइवेट करने के बाद तो आप उस वीडियो को पब्लिक कैसे करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रभाकर को। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अब मैं उस लड़के के चैनल को ओपन करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो आप इन बातों का बहुत ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। डिटेल में बताऊंगा, एक एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा और चैनल मोनेटाइज भी होगा जो चीजें अगर मैं बताऊंगा ये लड़का अगर करता है तो। सबसे पहले मैं इस लड़के के चैनल को ओपन करता हूं। यहां पर जैसा कि आपको अभी साइड में दिखेगा, मैंने इस लड़के के चैनल को यहां पर ओपन कर लिया है। यहां पर ओपन करने के बाद पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करता हूं। पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर क्लिक करता हूं। ये यहाँ पर ये लड़का क्या काम करता है? दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझने वाली बात होगी, मैंने इनके 3 वीडियो को ओपन किया एक एक करके तीनों के तीनों। आपको यहां पर जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो ऊपर ये लिखा हुआ है, ऊपर जो वीडियो में थंबनेल लगा हुआ है, ये तीनों में सेम है। आप यहां पर देखिए ये भी सेम है बिल्कुल। इन्होंने आवाज तो दी है लेकिन इनके वीडियो में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है। यूट्यूब इस वजह से भी इनके चैनल को रिजेक्ट कर सकता है। और आपको भी बता दूं आपको इस तरीके से काम आगे नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो इन्हें क्या काम करना होगा, इस वीडियो को एडिट करना होगा। एडिट कैसे करना होगा, यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाने के बाद वहां पर एडिटर का ऑप्शन आता है, एडिटर के ऑप्शन से एडिट कर पाएंगे। और मैं आपको यहां पर बताऊं, इन्होंने ये देखो ये वीडियो और ये भाग 23 और 24 इन्होंने लगभग मैं देख पा रहा हूं यहां पर एक जैसी ही सारी वीडियो इन्होंने बना रखी है। बट इनके चैनल पर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बंकिम चंद्र चतुर्पाध्याय ये समरी देते हैं, बुक का समरी देते हैं। तो बुक का समरी देने के लिए ये अभी इन्होंने जो ये वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो, ये जो वीडियो है, अब ये वीडियो इनकी क्या है, इनकी ये वीडियो इनकी ओरिजिनल है, इनकी आवाज है, इनका फेस है, इस वीडियो से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो इनके चैनल पर दिक्कत आ रही है वो फर्स्ट वीडियो पर आ रही है। सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो पर ही दिक्कत ज्यादातर होती है आपके चैनल पर। तो आपके चैनल पर अगर सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो है और आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है और आप चाहते हैं डिलीट ना करना पड़े, तो आप एक बार प्राइवेट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राइवेट करके आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको बताऊंगा प्राइवेट करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उस वीडियो को पब्लिक कब करना है, तो उस वीडियो को पब्लिक कर देना है लेकिन उस पर एड नहीं ऑन करना है। अब आप सोच रहे होंगे भैया ऐड नहीं ऑन करूंगा तो फिर उस वीडियो को पब्लिक करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यहां पर यह है कि वो वीडियो आपकी रैंक करेगी, वो वीडियो आपकी ग्रो करेगी, आपके चैनल पर बूस्ट आएगा, आपके चैनल पर नए नए सब्सक्राइबर आएंगे और आपकी दूसरी वीडियो आपके सब्सक्राइबर वॉच करेंगे, जिससे कि आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। उससे बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया है। और अब मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं होता है, कहां पर गलती होती है, यह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप यूट्यूब पर चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान में हमें रखना होगा, कोई भी थंबनेल एक जैसा नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइटल एक जैसा नहीं होना चाहिए, कोई भी वीडियो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना ही रखना होगा क्योंकि नंबर 4 पॉइंट इतना जरूरी है, आपके चैनल को कभी मोनेटाइज नहीं होने देगा किसी दूसरे का कोई भी कंटेंट।
अब यहाँ पर बहुत लोग मुझसे कहते हैं, सर मैं मीम्स यूज कर सकता हूँ क्या? मीम्स आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके चैनल पर 5 से 10 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो है, तो 2-3 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का क्लिप आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और इस बात को ध्यान में रखकर ही काम आपको करना है, राइट। ये बात मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आपका चैनल एक बार में मोनेटाइज हो जाए, 8 से 10 बार आपके चैनल को अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपका चैनल एक बार में मोनेटाइज नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, 3 बार में नहीं होता, आप परेशान हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कब कैसे करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। यहां पर दोस्तों जो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिखाई दे रही है, इस इंस्टाग्राम की आईडी पर आपको मुझे मैसेज करना है। जब आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपको यहां पर रिप्लाई करूंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा और आपको डिटेल में जानकारी दूंगा और आपके चैनल को मोनेटाइज भी कराएंगे। हम आपके चैनल को रिव्यू करते हैं, देखते हैं एकदम डिटेल टू डिटेल, जो यूट्यूब चेक करता है उन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम यूट्यूब पर पूरी डिटेल से आपके चैनल को चेक करते हैं, देन आपका चैनल मोनेटाइज कराते हैं। हर दिन लगभग एक भी दिन शायद स्किप नहीं होता, कभी कभार बीच में स्किप हो जाए, नहीं तो हर दिन एक नया चैनल हम मोनेटाइज कराते ही कराते हैं, आपके भी चैनल को मोनेटाइज कराएंगे। आपका नंबर अगला हो सकता है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना, बिना वीडियो कॉल किए हुए किसी को भी पेमेंट, किसी को भी चैनल की आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आई होगी आज की ये रीयूज्ड कंटेंट फाइंड आउट करने वाली वीडियो, जिसमें कि आपने ये सीखा रीयूज्ड कंटेंट फाइंड कैसे करते हैं, वीडियो प्राइवेट करके पब्लिक कब करना होगा, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपने सीखा है। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो आप जरा लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस।